हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुबीनास किचन। आज मैं आपके साथ चिकन कॉर्न सूप बनाऊंगी, जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी सूप है। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है और ये सर्दी खांसी में भी बहुत फायदेमंद होता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम चिकन, 150 ग्राम स्वीट कॉर्न, एक अंडा, इसकी हम सिर्फ सफेदी यूज करेंगे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच नमक। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन में हम चिकन ले लेंगे, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसी में हम नमक भी डाल देंगे और फिर 3 कप भरकर हम पानी डालेंगे। और इसे हाई फ्लेम पर उबलने के लिए रख देंगे। दूसरे गैस में मैंने स्वीट कॉर्न भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। स्वीट कॉर्न हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब इसे हम एक मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे, इस तरह से। हमारा चिकन भी बॉईल हो चुका है, उसे निकाल कर हम श्रेड कर लेंगे, इस तरह। हमारा चिकन श्रेड हो चुका है। अब हम चिकन जो स्टॉक है उसमें स्वीट कॉर्न जो हमने पीसा था वो हम इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और फिर इसमें स्वीट कॉर्न थोड़े से हमने बचाए थे वो हम इसमें डाल देंगे। श्रेड किया हुआ चिकन थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे, फ्लेम को थोड़ा हाई कर दें, अच्छी तरीके से उबलने दें इसे। अब इसमें हम 1/4 टेबल स्पून पेपर पाउडर डालेंगे। अब इसमें अच्छे तरीके से उबाल आने दें। हमारे सूप में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर में पानी डालकर उसका एक घोल बना लेंगे और इसमें धीरे धीरे डालते जाएंगे, चम्मच चलाते जाएंगे इस तरीके से। धीरे धीरे डालें और चम्मच चलाते जाएं ताकि उसमें गुठलियाँ ना जमें। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। इसे अच्छी तरीके से उबल जाने दें। हमारा सूप उबल चुका है। अब हम इसमें एक अंडे की सफ़ेदी डालेंगे, धीरे धीरे डालते जाएंगे, चम्मच चलाते जाएंगे। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। अब हमारा सूप तैयार हो चुका है, हम इसे डिश आउट कर ले रहे हैं। ये लीजिए, हमारा न्यूट्रिशियस एंड डिलीशियस कॉर्न सूप तैयार हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ गई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए और इसी तरह की टेस्टी और इजी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।